जमाने में क्या था, सारा जोश था। अच्छा, नए लड़कों में, नए लड़कों में जोश था। तो इसको अभी हम लोगों ने इसको सही कर दिया है यहाँ से। परंपरा है जो हमारे सदियों से चली आ रही है हमारे पहाड़ में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो गाइस, आज हमारे पहाड़ में भाई खंदड़ू त्यौहार चल रहा है, मतलब हमारे पहाड़ों में स्पेशली होता है खंदड़ू त्यौहार। तो एक बार आप सभी मेरे भाई बहनों को, जो भी मेरे YouTube फैमिली है, सबको भाई खंदड़ू त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे पहाड़ में आज भाई स्पेशली ग्वाल बालों का और गायों का त्यौहार मनाया जाता है, तो वो भी होना है। और बाकी मैं आज एक हमारे इस उपलक्ष्य में हमारे गांव में भी श्रमदान का कार्यक्रम होता है। उस दिन लोग अपने जो रास्ते टूटे होते हैं, जहां गाय चराने के लिए ले जाते हैं, वो वाले रास्ते, फिर जो हमारे भी लोकल रास्ते होते हैं उन वाले रास्तों को हम लोग सही करते हैं। तो हम वहां भी आज ये कार्यक्रम रख रहे हैं। पूरे गाँव वालों ने रास्ता सुधारने के लिए जाना है, तो वहाँ भी हम चलेंगे आज दिन में। तो ब्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, आप बने रहे शोभनंद ब्लॉग्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए शोभनंद चैनल को। तो यहाँ पे मम्मी घास ला रही है। तो मम्मी ये क्या बना रहे हो इससे? गाखुम। इसको क्या बोलते हैं? गाखुमा। गाखुमा। हाँ, तो गाय घास खाते हैं ना। अच्छा, उसको यूनाल के लिए लगाते हैं इसको। अच्छा, तो आज का बड़ा त्यौहार होता है गाय का, मतलब आज से ये होता है हमारे यहाँ पे, लोग घास काटने शुरू हो जाते हैं हमारे पहाड़ों में। तो स्पेशली गायों के लिए, गाय के लिए आजकल हम लोग घास भी स्टोर कर देते हैं, तो इसलिए ये हमारे यहाँ परंपरा चली है भाई, घास को मतलब गाय के गोबर के ऊपर रखना पड़ता है, इसको बढ़िया तरीके से सजा करके। मोर के थुबुड़ में क्यों? तो इसको, इसके कितने बनाते हैं? किए मेरे 6 गाय है ना, उनका पूरा बना रही है। 6 गायों के लिए 6 ये बनाई गई, इसको क्या बोलते हैं, लट्टी, गाखुमा। हाँ, इसके लिए 6 बनाए जाएंगे क्योंकि हमारे 6 गाय हैं। और एक यहाँ पे ड्रामे कर रहा भाई, क्यों कर रहा है? वो हमारा भाई यहाँ पे गाय का गोबर हम लोग यहाँ पे निकाल करके स्टोर करते हैं, मम्मी यहाँ पे करते हैं। तो ये हम यहाँ पे इसको लगा देंगे बढ़िया तरीके से। तो ये भाई हमारी एक परंपरा है जो हमारी सदियों से चली आ रही है हमारे पहाड़ में। तो इसके ऊपर एक फूल रखा जाता है। मम्मी, ये फूल क्यों रखा? इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बनाने के लिए एक परंपरा चला है। अच्छा, और ये घास, इसको ऐसे, इसको एक्चुअली में हम लोग जहाँ हमारे गाय बांधे रहते हैं वहाँ तक बिछाते हैं, यहाँ हमारा जहाँ गोबर स्टोर किया वहाँ से बिछाते मम्मी इसको ले जाएगी, जहाँ तक हम लोगों ने, जहाँ हमने गाय बांध रखे हैं वहाँ तक। गाय को हमारे यहाँ माँ के रूप में पूजते हैं, तो इसलिए भाई ये परंपरा भी हमारे यहाँ पे चली है, पुराने दादा परदादाओं ने ये चीज़ की है। एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग गाय को बांधते हैं इसके यहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोग इसको लागे हैं बिछा करके। तो भाई ये प्रोसेस मेरा आज है, और अब इसके बाद शाम को मैं देखते हैं क्या क्या होता है। अगर बारिश नहीं लगी तो छोटे बच्चों का खंदड़ों का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो जंगल में जा करके बढ़िया जगहों पे पूजा पाठ करते हैं, दाने से आने भी जाते हैं, और सारे लोग जाते हैं जितने हो पाता है अगर बारिश नहीं होगी तो। वरना मैं अभी जा रहा हूँ इस श्रमदान के कार्यक्रम में, ग्राम सभा का जो रास्ता टूट रखे हैं जहाँ पे, उन रास्तों को सही करने के लिए। पता नहीं डूब लगे ये डांग बले बन गया। हाँ, हम लोग को गुबार तो डूब फूंक लगा था मिल गया। और यहाँ पे मेरे मामा में बहुत करंट है, बुढ़ापे में भी अभी जवानी नहीं गई, नहीं गई ना दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे स्वयं सहायता समूह क्यों काम चल रहा है यहाँ पे गुरु जी, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं।
मेरे मोहल्ले के लोग सारे यहाँ पे आज आए हैं काम करने के लिए, और ये सारे लोग को यहाँ पे एक छेद दिख चुका है और पागल लोग दिखाई दे रहा है बोल, यहाँ से पागल लोग दिखाई दे रहा है, पागल लोग दिखाई दे रहा है बोल। तो ये सीधा सीधा यहाँ से पागल लोग दिखाई दे रहा है, पागल लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हो इससे पहले यहाँ पे एकदम टूट गया था रास्ता, तो इसको अभी हम लोगों ने इसको सही कर दिया है यहाँ से। और पहले गाय यहाँ से नीचे गिरने का डर था, लेकिन अब यहाँ से सही हो गया है और हम लोगों ने इतना काम आज कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो। मैं ये हो पाएगा आज, क्या लगता है आपको? हो पाएगा, काम जोर से जोर से। ये कौन है ना थोड़ा में? ये बैंक ओके। फिर आप इतनी जल्दी? नहीं जल्दीबाजी। अच्छा, राक्षसों का काम होता है। अच्छा, जल्दीबाजी में हम लोगों ने काम नहीं करना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ, खतरा है इधर, खतरा भी हो सकता है। अच्छा, अगर ऊपर से चट्टान आ गई तो सारे दब जाएंगे नीचे, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं सारे लोग चन्ने के जैसे भुन जाएंगे सब। अच्छा, तो आप इस पे मारिए आप जोर से। पूरे रास्ता ये पहले से ऐसी था कि हम लोगों ने बनाया, ये कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, खाली जब हम नव मंगल दल वाले मंगल दल का गठन हुआ था। अच्छा, तब तक सोच भी नहीं थी कि इधर से हम गाय भैंस लेके जाएंगे। जो युवक मंगल दल का गठन किया आप लोगों के जमाने में हुआ, हिमनी गांव में पहली बार 1985-86 की बात है। अच्छा, तब हमारे पूर्व प्रधान श्री उदय सिंह दानू प्रधान बने थे नए नए, तब ये गठन हुआ था। अच्छा, तो उस जमाने में आपने? उस जमाने में हमने एक अभियान चलाया कि हम रास्ता खोलते हैं गांव में, जितने भी मतलब खराब रास्ते हैं नहीं जा पाते उन, जहाँ नहीं जा पाते हैं गाय भैंस बकरियां, तो उनको खोलने का अभियान चलाया हम लोगों ने। अच्छा, आप के जमाने में? उस जमाने, हमारे जमाने में। अच्छा, तो सारे ग्राम सभा जो हमारी ग्राम सभा बनी थी पंचायत भी हमारे थ्रू मंजूर होगी। अच्छा, कि बोला चलो ठीक है लड़कियों का साथ देते हैं, तब जाके ये रास्ता बना था हमारा गाय भैंस जाने। उस जमाने में सारे लड़के वगैरह आए थे? सारे लड़के थे, जैसे आज के जमाने में तो कोई एकता बच्ची नहीं है। उस जमाने में वैसे नहीं है, उस जमाने में एक जमाने में हमारे जमाने में क्या था, सारा जोश था। अच्छा, नए लड़कों में जोश था। तो ये नहीं कि भाई तू मैं कोई नहीं, भाई जो करना है तो करना है। अच्छा, एक तरफा एक साथ बोल दिया, तरफा चलना है तो चलना है। अच्छा, अब जैसे हमारी पंचायत थी हमारे साथ, पंचायत भी हमारी साथ चल गए, बोला ठीक है लड़कों पे जोश है, चलो हम भी इनका साथ देते हैं, तब जाके ये रास्ता बने। अच्छा, उस जमाने की, उस जमाने के 1985-86 की बात। उससे पहले मतलब रास्ता रास्ता था? अच्छा, खाली बकरियों का रास्ता था, आदमी भी ढंग से नहीं आ पाते, आदमी का था, गाय भैंस जाते थे। अच्छा, यहाँ पे गाय भैंस का कोई आने का नहीं, बोझ भी नहीं ला पाते थे इस रास्ते से, जो रास्ता हमने आज भी चला रहे हैं। अच्छा, आज हमारे गाय भी जा रहे हैं, भैंस भी जा रहे हैं, घोड़े भी जा रहे हैं, खच्चर भी जा रहे हैं, सारा बोझ भी आ रहा है। ये तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये कहानी है भाई उस जमाने की, जिस जमाने में भाई यहाँ पे रास्ता भी नहीं बना था, लेकिन आज तो भाई सरकार भी इतना अनुदान कर रही है और आज के युवाओं में, आज के लोगों में इतनी एकता है नहीं, नहीं, ये नहीं कर नहीं पा रहे हैं, इसके लिए मजबूरन हम लोगों को भाई कर के मुताबिक लेना पड़ रहा है यहाँ पे, फिर भी उसमें भी सहमत नहीं है, फिर भी आज लोग सहमत नहीं आने के लिए। तो ये बात थी आज के जमाने में, अभी भी सहमत नहीं, अगर उस टाइम जैसा जोश होता ना तो बहुत कुछ कर सकते थे। आज तो बहुत कुछ कर ले इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, जिस हिसाब से आज पैसा भी मिल रहा है मनरेगा की वजह से,
उस हिसाब से तो बहुत कुछ कर सकते थे। हाँ। एकता है ही नहीं। हाँ। वो आप तो काम भी कम कर रहे हैं लोग आज के जमाने में। काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं, मैं ही नहीं हूँ। मेरे पे जोश था उस टाइम। हाँ। तो आज का हम भाई बुढ़ापा आ गया, फिर भी जो अभी तुम लोग नव युवक मंगल दल के या युवा लोग है उनमें ही नहीं है जो तो। हाँ। क्या बोल, हम मानते ही नहीं है किसी कहानी। तो ये बात है भाई आज के, मतलब पुराने दयाने दाने सयाने लोगों की, जो मतलब हम आज के लोगों को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन हम लोग में ये कमी है कि हम लोग आज सीखने के लिए रेडी नहीं हैं। हम लोग भाई नाच गाने, टेक्नोलॉजी, खाने पीने, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रह गया हमारा, लेकिन सीखने के लिए हम लोग रेडी नहीं हैं। तो हमें तो बहुत तगड़ा जोश था सीखने के लिए, करने के लिए। अच्छा जोश था। ऐसे माने जब मेरे एज के थे, जैसे चाचा जी लोग हमसे गुजरे आदमी हैं, तो जो हम बोलते थे ये भी मानते थे हमारे दाने से आने, दाने से आने लोग मानते थे, हम बोलते थे। तो ये कनेक्टिविटी बनी रहती होगी आपके बीच, मेरी जुड़ी जो होती है वो अच्छी बनी रहती थी, कि अपने बुजुर्गों के साथ भी और बुजुर्गों का हमारे साथ भी, जो बोलते थे हम करते थे, जो हम बोलते थे बुजुर्ग लोग मानते थे हमारे पास। ठीक है, धन्यवाद सोबंदान ब्लॉग्स में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे अभी कार्य चल रहा है, मेरे चाचा जी सरपंच साहब, सरपंच साहब भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा फिर काम करके? अरे बहुत बढ़िया यार। अच्छा शरीर, अच्छा बॉडी हिल रही है, बॉडी खिल रही है कि खुल रही है? हिल भी रही है, खिल भी रही है। अच्छा ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से सरपंच साहब भी काम करते हैं हमारे यहाँ पे। अरे यार करना पड़ता है यार, बेरोजगारी। कौन नहीं करते हैं? ब्लॉगर जो ब्लॉग बनाने वाले होते हैं। छुट्टी हो गई आप हैं? छुट्टी हो गई आज के दिन, और श्रमदान भी इस साल का खत्म हो गया है, और अब ये श्रमदान अगले साल द्रु त्योहार के दिन होगा। तो अभी चलते हैं घर में, और अगले दिन हर साल लगता है, हर साल होता है हमारे यहाँ ना, खड़े भी होता है हर साल, श्रमदान भी होता है। हाँ तो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी वहाँ काम से, मतलब क्या बोलते हैं श्रमदान से। तो आज हमने भाई बहुत सारा रोड बनाई, मतलब हम अपने गायों के लिए इधर उधर बड़े बड़े पत्थर भी नीचे ऊपर रखे। तो भाई आज थकान लगी है, और अभी भाई बारिश लगने की संभावना है, दिन भर भी बारिश लगी थी, हम वैसी लगे थे काम पे। तो अभी देखते हैं अगर खंदुड़ों का प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे बच्चे और महिलाएं हम लोग, तो इसकी वीडियो मैं कल डालूंगा, अगर वीडियो अगर बनाते हैं तो। अगर नहीं बनाते हैं भाई आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेरे गाँव के कल्चर की काम की, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद। इस बारिश के मौसम में डांस हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश की बूंदे बांदी आने लगी है।